सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ट्यूटोरियल यूनिवर्स को और दबाइए बेल आइकॉन हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम गाइस, आज हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप के कूल 10 फीचर्स के बारे में जो कि 2018 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं व्हाट्सएप के 10 कूल फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर ये है कि आप अपने ग्रुप मैसेजेस को देख सकते हैं कि कौन कौन किस किस ने देखा है और किस किस ने पढ़ा है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने ये मैसेज सेलेक्ट किया और यहाँ पे इन्फो बटन प्रेस करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा किस किस ने देखा है। तो रीड बाय वन और डिलीवर्ड बहुत सारे लोगों को पहुँच चुका है, तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि किस किस ने मैसेज पढ़ा है और किस किस ने देखा है। अगर हम चाहें तो अपने मैसेजेस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, जो कि एक सबसे कूल फीचर है। अगर हम यहाँ पे डिलीट ऑप्शन में नया जो कि 2018 में अपडेट आया है उसके अनुसार अगर हम चाहें खुद के लिए डिलीट करना तो डिलीट फॉर मी, तो मेरे यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर डिलीट फॉर एवरीवन तो सबके पास से ये मैसेज डिलीट हो जाएगा और जिसने मैसेज नहीं देखा है उसको मैसेज ये शो नहीं होगा। तो जैसे कि डिलीट फॉर एवरीवन मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा, यू डिलीटेड दिस मैसेज, और सबके पास सिर्फ ऐसे ही शो होगा, उसको मैसेज पूरी क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो ये सबसे कूल फीचर है। अगर आप चाहें मैसेज सेंड करने के बाद अगर चाहें कि हाँ ये गलत मैसेज टाइप हो गया है और कोई ना देखे, तो आप इसे सेलेक्ट करने के बाद ऐसे डिलीट फॉर एवरीवन प्रेस कर सकते हैं। तो ये सबसे कूल फीचर है। और दूसरी फीचर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने ग्रुप को म्यूट कर सकते हैं। म्यूट कर सकते हैं 8 घंटे के लिए, 1 वीक के लिए भी म्यूट कर सकते हैं और 1 साल के लिए भी म्यूट कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही से म्यूट कर सकते हैं, जैसे मैंने 1 ईयर के लिए म्यूट किया। तो अगर ग्रुप में मैसेजेज आएगी तो यहाँ पे टोन नहीं बजेगा और हमें मैसेजेज वहाँ पे शो नहीं होगी पॉपअप में। तो ये ग्रुप जो है वो 1 साल के लिए म्यूट हो गया है। और तीसरी सबसे कूल फीचर है कि आप अपने स्टेटस में बहुत सारे चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि आप कलर चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट में आप बहुत सारी कूल फीचर्स आई हैं कि आप यहाँ पे चाहें तो अपने किसी वीडियो का URL भी डाल सकते हैं और उसे ऐसे पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक दिखा रहा हूँ अभी, जैसे कि मैंने अपने YouTube चैनल ट्यूटोरियल यूनिवर्स का लिंक कॉपी किया और यहाँ से मैंने स्टेटस पे गया और यहाँ मैं स्टेटस एडिट पे गया और यहाँ मैंने कलर चेंज की, रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ और फिर हाँ अभी आया हुआ था तो रेड कलर सेलेक्ट किया। अब जो भी चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे कि मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया और यहाँ पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो और इसे स्टेटस में डालेंगे तो हमारे स्टेटस अपडेट हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे शो करेगा YouTube लिंक और कोई भी देख सकता है और यहाँ से डायरेक्टली आप YouTube पे जा सकते हो। तो सबसे कूल फीचर यही है जो कि हमारे चैनल पे आया, मतलब आप भी सेट कर सकते हैं ये। और दूसरी और अब बताएंगे हम आपको तीसरी और इसके बाद चौथी। तो चौथी कूल ट्रिक ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले क्या होता था कि आप सिर्फ 10 और 20 मैसेज को सेलेक्ट करके या फोटो गैलरी से सेलेक्ट करने के बाद भेज सकते थे, जबकि आप व्हाट्सएप ने इसे बढ़ाकर 30 कर दिया है। तो ये सबसे कूल फीचर है। पांचवी कूल फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी लाइव लोकेशन जो है वो यहाँ से आप भेज सकते हो किसी को। तो आप अपनी लाइव लोकेशन, जैसे कि मैंने देखिए शेयर लाइव लोकेशन, तो ऐसे करके आप इसे शेयर लाइव लोकेशन करके कंटिन्यू कर सके और आप 1 घंटे तक जहाँ भी रहें, 1 घंटे पहले कहाँ थे और अभी कहाँ हैं, वो आप भेज सकते हैं। तो जो कि मैंने यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर कुछ नोट लिखना चाहे भाई आ जाओ यहाँ, तो आप ऐसे
अपने कूल फीचर्स जो कि व्हाट्सएप ने दिया है लाइव लोकेशन शेयरिंग, तो आप ऐसे भेज सकते हैं। अगर आप चाहें इसे ना भेजें अगर सेंड करने के बाद, तो इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये एक घंटे तक मैंने सेलेक्ट किया था और एक घंटे के अंदर मैं चाहूँ तो इसे कभी भी स्टॉप कर सकता हूँ। तो ये सबसे पांचवी कूल टिप्स है। और छठी कूल टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप YouTube के सेटिंग में जाने के बाद चाहें तो अपने अकाउंट को, अकाउंट की प्राइवेसी में जाने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका लास्टिंग कौन कौन देखता है, कौन कौन किस किस को देखना चाहिए, कौन किस किस को पता चले कि आप कब ऑनलाइन आए थे। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका प्रोफाइल पिक्चर कौन कौन देखे, तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं आपका प्रोफाइल पिक्चर जो आपके फ़ोन में जो नंबर सेव है वही देखे तो माई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कोई नहीं देखे तो नोबडी कर सकते हैं। और ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके अबाउट मतलब आपकी स्टेटस कौन कौन सी देख कौन कौन देख रहा है, और स्टेटस के बारे में भी कर सकते हैं। और यहाँ से लाइव लोकेशन कौन कौन देख रहा है ये भी आपको पता चल सकता है। तो आप उसके बाद क्या है वो कूल फीचर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये टू स्टेप वेरिफिकेशन है, इसको इनेबल करने के बाद आपको 6 डिजिट का पिन आपको पूछा जाएगी आप क्या रखना चाहते हैं। वो रखने के बाद आप जैसे कि मैंने रखा 22 44 66, तो उसके बाद फिर से कन्फर्म बढ़ेगा तो 22 44 66 करने के बाद आपको ईमेल मांगा जाएगा। तो आप ऐसे करके ईमेल डालने के बाद ईमेल पे कोड आएगा तो उस तरह वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये टू स्टेप वेरिफिकेशन जो कि व्हाट्सएप को बहुत सिक्योर करता है। और छठी कूल टिप्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप चैट सेटिंग में जाने के बाद आप चाहें तो वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। और वो वॉलपेपर आप कहाँ से गैलरी में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और सॉलिड कलर जो कि व्हाट्सएप का खुद है उसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने रेड वाला सेलेक्ट किया और इसे सेट किया तो मुझे सारे चैट बॉक्स में यही रेड कलर दिखेगा। जैसे कि देख रहे हैं आप बैकग्राउंड में रेड कलर है तो वो शो करेगा आपको। और उसके बाद सातवीं कूल टिप्स ये है कि आप सेटिंग में जाइएगा और डाटा एंड स्टोरेज यूजेज में जाइएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कॉल के दौरान आपका अगर नेट स्लो भी है और अच्छे से बात हो तो आप लो डाटा यूजेज को टिक लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप अगर आपका नेटवर्क स्लो भी रहेगा तो 2G नेटवर्क में भी अच्छी वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग होगी। उसके बाद आठवीं कूल टिप्स ये है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप स्टोरेज यूजेज देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप और कौन कौन से कॉन्टैक्ट ने कितने स्टोरेज लिए हुए हैं। तो मेरे ग्रुप्स ने इतने 131 KB का स्टोरेज अभी लिया हुआ है। गोपाल मिश्रा जो कि मेरे कॉन्टैक्ट है 24 KB का स्टोरेज लिया हुआ है। तो ये सातवीं कूल टिप्स आपकी हो गई। और उसके बाद आठवीं जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कूल टिप्स है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप यहाँ से पता कर सकते हैं नेटवर्क यूजेज में कि आपने कितने मैसेजेस सेंड किए हैं। तो जैसे कि मैंने 327 मैसेज सेंड किया है, कितने मैसेज रिसीव किए वो भी देख सकते हैं। तो 365 मैसेज रिसीव किए, कितने MB का मैसेज मैंने सेंड किया है और कितने GB या कितने क्या मैंने सेंड किया है, तो वो यहाँ से 7.8 MB का मैंने मैसेज सेंड किया है और रिसीव 2.4 का किया है। तो ये सब आप देख सकते हैं, स्टेटस कितने का सेंड किया है, कितनी बार किया है अपडेट तो 3 बार, कितने स्टेटस मैंने देखे हैं तो 354 बार, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद नौवीं टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत बढ़िया है। तो वो ये है कि आप चाहें तो अपने मैसेजेस को रिफॉर्म कर सकते हैं कि कौन से स्टाइल में कैसे दिखा दे। जैसे कि स्टार शुरू में स्टार लगाने के बाद और उसके बाद लास्ट में स्टार लगाने के बाद देखिएगा आप क्या होता है चेंजेस। दिस इज वन स्टाइल, तो जैसे कि मैंने स्टार लगाया तो ये बोल्ड हो गया, शुरू में स्टार और लास्ट में स्टार लगाने से बोल्ड हो जाता है। और देखिए शुरू में इनफिनाइट और लास्ट में इनफिनाइट लगाने से क्या होता है, दिस इज सेकंड
स्टाइल और फिर इनफाइनाइट साइन लगा दीजिए तो ये मैसेज ऐसे होगा कि जैसे किसी ने कट किया है। और उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है ये यहाँ से शुरू में ये लगाना है और दिस लास्ट में, तो दिस इज थर्ड स्टाइल। तो ये लगाने से शुरू और लास्ट में इसको लगाने से ये थोड़ा स्टाइलिश हो जाता है। और इसके बाद चौथी जो कि हिडन टिप्स है और बहुत ही रेयर है, तीन बार ये डॉट्स लगानी होगी आपको और उसके बाद दिस इज, जैसे कि कुछ मैसेज टाइप करना है, दिस इज फोर्थ स्टाइल और उसके बाद आपको वही तीन बार लगाना है। तो ये स्टाइल सबसे की यूनिक लगता है और बहुत ही अच्छा है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद दसवीं और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स जो कि बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा आपको, अगर आपको कोई ब्लॉक कर देता है और आप चाहते हैं कि मैं ब्लॉक लिस्ट से उसके ब्लॉक लिस्ट से हट जाऊं, तो आपको सेटिंग में जाना होगा, उसके बाद अकाउंट सेटिंग में जाना होगा और उसके बाद डिलीट माय अकाउंट पे जाना होगा। तो गाइज इससे तो आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको जिस किसी ने भी ब्लॉक किया होगा तो आप उसके ब्लॉक नंबर लिस्ट से हट सकते हैं। और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि आप अकाउंट डिलीट करने के बाद आपके जितने भी मैसेज बैकअप थे और जितने भी ग्रुप थे आप सबसे डिलीट हो जाएगा और आपको दोबारा अपने अकाउंट ओपन करने के बाद आपको फिर से ग्रुप ज्वाइन करनी होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको जिस किसी ने भी ब्लॉक किया होगा तो आप उसके ब्लॉक लिस्ट से हट जाएगा, जो आपको फ़ायदा पहुंचेगा। आप जिस किसी ने भी आपको ब्लॉक किया होगा तो आप उसको फिर से मैसेज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपना एक, अब देखिए रीज़न पूछेगा तो एक रीज़न सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने रीज़न सेलेक्ट किया कि मैंने जैसे कि कुछ अदर रीज़न सेलेक्ट किया, अदर रीज़न, और ये व्हाट्सएप को कुछ बताना है तो कह दीजिए कि माय पर्सनल चॉइस, CHOIS, और उसके बाद डिलीट कर दीजिए। तो जैसे कि मैंने डिलीट किया, मेरा अकाउंट डिलीट हो गया है। और जिस किसी ने भी ब्लॉक किया होगा तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं उसके ब्लॉक लिस्ट से हट जाऊंगा और मैं अपना अकाउंट फिर से बना लूंगा। तो फिर से जब आप अकाउंट बना रहे होंगे दोस्तों, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको होम पेज पे जाना है और व्हाट्सएप को क्लियर करना है, फिर आपको अनइंस्टॉल कर देनी है इसे और उसके बाद इंस्टॉल करनी है दोबारा। फ़ोन को स्विच ऑफ ऑन करने के बाद फिर से प्ले स्टोर या बैकअप हो तो बैकअप वाला इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपको फिर से एग्री और कंटिन्यू करके अकाउंट आपको बनाना है और इस तरह आप फिर से वेरीफाई हो जाएंगे, व्हाट्सएप अकाउंट आपकी बन जाएगी और आपको जिस किसी ने भी ब्लॉक किया होगा तो आप उसके ब्लॉक लिस्ट से हट जाइएगा। तो गाइज ये थी आज की व्हाट्सएप के बारे में 10 कूल फीचर्स जो कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस हमारी कूल वीडियोस और भी बहुत सारे कूल फीचर्स जो कि अपडेट आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर और अपने दोस्तों को बताना मत भूलिएगा और उन्हें भी बोलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।